हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआई या नेट जून 2023 के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। राइट, बेसिकली हमने यहाँ पे बॉन्डिंग शीट के क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम गोइंग फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस टू सिट्रिक एसिड साइकिल। राइट, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दी है। ठीक है, जब पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उस दौरान कौन कौन सी जो प्रोसेसेस होती है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज रिवर्सिबल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है पाइरूवेट टू एसिटाइल, ठीक है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये व्हेन इट पाइरूवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम है दोबारा पाइरूवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड इज पाइरूवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू, सो जो ए वाली है, ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, ठीक है, इसमें ए है, मतलब ये टोटली गलत हो जाती है। सेकेंड इज पाइरूवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे पाइरूवेट है साइटोसोल में, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये इसमें एंटर करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, दैट मीन्स जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें सी डी और ई है, ठीक है, ये भी गलत हो जाती है बिकॉज यहाँ पे ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछे हैं। ठीक है, तो बी वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थर्ड है पाइरूवेट इज कार्बोक्सिलेटेड बाय दी पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यस, यहाँ पे एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज तो होता है, बट यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होती है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो भी इनकोरेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो हमारी राइट स्टेटमेंट है दैट इज फोर्थ। ठीक है, बी डी और ई जो है दैट इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एसिटाइल लिपोअमाइड रिएक्ट विद कोएंजाइम टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एसिटाइल लिपोमाइड होता है वो रिएक्ट करता है कोएंजाइम ए के साथ जो कि बनाता है एसिटाइल को एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेवर प्रोटीन डाई हाइड्रोलिपो डिहाइड्रोजनेज कंटेन फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियर। ठीक है, एफ ए डी कंटेन करता है। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है इन द कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट टू एसिटाइल। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ आंसर है, ठीक है, बी डी और ई, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द पीएच ऑफ 10^-7 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एचसीएल। ठीक है, हमें इसका पीएच निकालना है। सो इसका पीएच हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, दिस इज द एचसीएल। ठीक है, एचसीएल जो होता है वो 100% डिसॉल्व होता है। ठीक है, और वो कन्वर्ट होता है एच पॉजिटिव और सी क्लोरीन नेगेटिव आयंस में। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो एच जो माइनस लॉग है, ठीक है, यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन कितने दिए हैं हमारे को, दैट इज 10^-7। राइट, यहाँ पे माइनस सेवन बाहर आ जाएगा। ठीक है, लॉग 10^-7 कितना हो गया, दैट इज -7। और वेन जो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गए तो पीएच हमारे पास आ गई 7। ठीक है, बट जो पीएच है, ठीक है, ये एचसीएल का इन्होंने यहाँ पे पीएच पूछा है, तो एचसीएल का पीएच कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो 7 से कम होता है, इसलिए जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है, 7 के, वो इसका जो राइट आंसर होगी, दैट इज, ठीक है, 7 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज सेकेंड वन, दैट इज 6.79। ठीक है, ये भी, ये दिस इज द फार फ्रॉम 7, ठीक है, एंड दिस इज द मोर देन 7। ठीक है, तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, थर्ड वाली भी। सो 6.79 इज द करेक्ट आंसर। राइट, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सम
Properties of enzymes are listed in column X and their kinetic expression are listed in column Y. ठीक है, यहाँ पे कुछ एंजाइम की प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है, और साथ में इनके एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनका वर्क क्या होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है. ठीक है, आप सभी को पता है जब माइकलिस मेंटल इक्वेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू के कैट अपॉन के एम. ठीक है, तो डी का फर्स्ट काम पे दैट इज, ठीक है, दो ऑप्शन में है, एक टू में है और एक इसमें है थर्ड में. ठीक है, तो ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास, राइट, ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये कट हो जाते हैं. ठीक है, ये दोनों कट हो जाते हैं, राइट, डी का वन. ठीक है, अब आप देखो कि जो माइकलिस मेंटलिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, सी ऑप्शन, जो माइकलिस मेंटलिस कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू के एम, और के एम क्या होता है, दैट इज द वी मैक्स अपॉन टू, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन. तो जो सी का, जो सी का है, ठीक है, इसका राइट आंसर है बी. ठीक है, तो सी में सेकेंड वाला है राइट आंसर. ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो जाता है. ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दैट इज थर्ड, थर्ड वन इज द राइट आंसर. ठीक है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है. ठीक है, और जो टर्न ओवर नंबर है उसको हम कैसे निकालते हैं, दैट इज वी मैक्स अपॉन मोल्स ऑफ एंजाइम. ठीक है, उसको हम टर्न ओवर नंबर कहते हैं, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं वी मैक्स अपॉन प्रोटीन कंसेंट्रेशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजप्शन ऑफ अनट्रीटेड कॉर्न एज द स्टेपल फूड कॉज डिजीज पेलेग्रा. ठीक है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय, ठीक है, कंजप्शन ऑफ अनट्रीटेड कॉर्न एज द स्टेपल फूड, राइट. प्री ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिवेंट दिस डिजीज. गिवन बिलो आर द ऑप्शंस listing the possible effect of calcium hydroxide treatment column X and enzyme affected column Y. ठीक है, so possible effect of calcium hydroxide treatment, ठीक है, यहाँ पे X column में दिए हैं और इसके enzyme और effect इस column में दिए हैं. यहाँ पे C का उन्होंने fourth बताया, तो C calcium improve bone strength. ठीक है, तो यहाँ पे जो pellagra होता है, ठीक है, और इसका क्या उन्होंने दिया है, इसका फोर्थ एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम बोन स्ट्रेंथ. ठीक है, तो पेलेग्रा में एक्टिविटी ऑफ, जो एक्टिविटी ऑफ कैथेप्सिन होती है, ठीक है, कैथेप्सिन के होती है, इसका इसका काम होता है बोन की रीअब्जॉर्प्शन करना. ठीक है, ये तो बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है. ठीक है, तो सी वाला, ठीक है, दिस वन इज इनकरेक्ट. तो फर्स्ट जो जो है ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है. बी का उन्होंने फर्स्ट बताया कि पीएच एड्स इन डाइजेशन. ठीक है, इसका कोई काम नहीं है इसमें. तो ये कह रहे हैं कि जो एल्कलाइन पीएच होता है एड इन डाइजेशन, ठीक है, वो पूरा एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो एल्कलाइन होता है, ठीक है, जो जो स्टमक में डाइजेशन के एल्कलाइन जो पीएच होता है वो ड्यू टू द म्यूकस. ठीक है, जो म्यूकस सिक्रेट होता है स्टमक में उसकी वजह से होता है. और इन्होंने नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट इज ए का थर्ड रिलीज ऑफ विटामिन बी थ्री अपॉन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट. ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ एनएडी डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है, जब रिलीज ऑफ विटामिन थ्री, ठीक है, व्हेन वी रिलीज द विटामिन बी थ्री अपॉन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट, इट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एनएडी डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, दिस इज द राइट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलीपेप्टाइड वाज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद इंडिकेटिंग रिजल्ट. ठीक है, ये बहुत तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, इसमें कुछ ट्रीटमेंट इन्होंने करे. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसिड हाइड्रोलिसिस करी, राइट. तो जब उन्होंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन की एसिड हाइड्रोलिसिस करी, तो उनके पास एक फ्रेगमेंट आया. ठीक है, इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आई
उसके बाद जब इन्होंने इसको एमिनो पेप्टाइडेज एम में डाला, ठीक है, तो वहां पे कोई फ्रेगमेंट नहीं बना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कार्बो पेप्टाइडेज ए प्लस कार्बो पेप्टाइडेज बी में जब इन्होंने इसको ट्रीट किया तो तब भी वहां पे कोई फ्रेगमेंट नहीं बना, ठीक है, एज इट इज ये चेन रही। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिप्सिन लिया, ठीक है, ट्रिप्सिन फॉलोड बाय द एडमिन डिग्रेडेशन ऑफ सेपरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। जब उन्होंने इसमें इसका ट्रीटमेंट किया तो क्या हुआ कि उनके पास दो फ्रेगमेंट आया, एक सिस ग्लाइसिन, ठीक है, एक चेन ये आई और एक चेन ये आई, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, ठीक है, तो इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सी चेन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड को प्रेजेंट करते, रिप्रेजेंट करते, राइट। तो इसका राइट आंसर है दैट इज साइक्लिक पेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे टू चेन बनती है, ठीक है, और देन दिस इज शोन बाय दिस साइक्लिक पेप्टाइड, राइट, दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंड सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज, दे आर द टू की एंजाइम इवॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, जब सुक्रोज का बायोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे SPS और SPP दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इनका रोल होता है बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज में। तो यहाँ पे कुछ देर आर फॉलोइंग सर्टेन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू एंजाइम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ SPS एंजाइम, ओके, सो यू कैन सी हियर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है दिस इज द वन ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ SPS एंजाइम, दिस इज द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड दिस इज वन सबस्ट्रेट ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, ठीक है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है, दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड UDP ग्लूकोज आर सबस्टेट ऑफ SPP एंजाइम, यहाँ पे बोला है कि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और UDP, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये सबस्टेट हैं किसके, सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज के, तो ये बात बिल्कुल गलत है बिकॉज सुक्रोज फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो इसका सबस्टेट है SPS का है, और जो सुक्रोज 6-फॉस्फेट और है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है दिस इज द सबस्टेट ऑफ SPP, ठीक है, तो बी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तो जितने भी यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट में बी है वो गलत हो जाते हैं, दैट मीन दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट दिस वन, ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आंसर निकल गया दैट इज AC एंड D, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं, सुक्रोज इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ SPP एंजाइम, ठीक है, ये SPP एंजाइम है, ठीक है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो सुक्रोज होता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट वन। नेक्स्ट इज UDP इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ SPS एंजाइम एंड PI वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ SPP एंजाइम, ठीक है, जो UDP है वो SPS का, ठीक है, जो ये SPS है इसका प्रोडक्ट है, राइट, एंड जो PI है, ठीक है, वो सुक्रोज 6-फॉस्फेट फॉस्फेटेज का प्रोडक्ट है, ठीक है, इस एंजाइम का, दिस इज द राइट आंसर, राइट। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।